अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लव एंड फूड। दोस्तों, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दही वड़ा, रगड़ा चाट और साथ ही में हम बनाएंगे ब्रेड के चिकन पिज़्ज़ा। ये तीनों भी बहुत ही इजी रेसिपी है। चलिए मेरे साथ देखते हैं हम ये झटपट सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने चिकन ले ली है 200 ग्राम बोनलेस चिकन। इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम हमारे सूखे मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली 1 टेबल स्पून और सॉल्ट टू टेस्ट हम इसमें डालेंगे और आधा नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। आप चाहे तो ज़्यादा देर भी मैरिनेशन रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतना ही सॉफ्ट और जूसी आपका चिकन बनेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसे मैरिनेट कर लीजिए। दोस्तों, मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब। अब इसमें हमने जो हमारा चिकन मैरिनेट किया था वो हम डाल देंगे। फ्लेम हमारी फास्ट पे रहेगी और इसे हम अच्छे से ऑयल में मिक्स करके और इसे पका लेंगे। इसका जितना भी पानी है वो पूरा सूख जाने तक इसे हम ढक के पका लेंगे। बीच बीच में हिलाते रहिएगा दोस्तों, वरना ये जल भी सकता है। जैसे इसका पानी सूखने आएगा फ्लेम को मैं स्लो कर दूंगी और स्पून से ही मैं इसके छोटे छोटे और पीसेस कर लूँगी। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अब इस स्टेज पे दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। जी हाँ, मैंने रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम इसमें छोटी छोटी बारीक कट कर ली थी वो डाल दी है। अगर आपके पास रेड येलो नहीं हो तो आप ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस टॉस करके 2 मिनट ढक के हम इसे पका लेंगे। ये थोड़ी क्रंची ही हमें रखनी है, ज़्यादा गलाइएगा नहीं। बस इसी तरह मिक्स करके ढक दीजिए। देखिए दोस्तों, 2 मिनट बाद ये बिल्कुल हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी एक प्याज जो मैंने बारीक कट करके रखी थी। प्याज भी हमें क्रंची ही चाहिए, इसलिए मैं इसे लास्ट में डाल रही हूँ। इसे भी बस 2 मिनट के लिए मिक्स करके मैं पकने रख दूंगी, वो भी स्लो फ्लेम पे ढक के। 2 मिनट बाद जैसे ही ये पक जाएगा गैस को हम कर देंगे बंद। देखिए ये बिल्कुल हो गया है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून के करीब अमूल क्रीम। गैस को बंद कर दीजिएगा दोस्तों, वरना आपका क्रीम जो है वो फट जाएगा। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 क्यूब चीज़ का ग्रेट करके। देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपको डालना है। ये पिज़्ज़ा बहुत बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि हम ब्राउन ब्रेड यूज़ करने वाले हैं और ये झटपट से बन जाता है और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए हम हमारा बेस बना लेते हैं पिज़्ज़ा का। मैंने एगलेस मेयोनीज लिया है वीबा का 2 टेबल स्पून के करीब। इसमें मैं डालूँगी शेज़वान चटनी 1 टेबल स्पून और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही स्पाइसी और चटपटा सा बेस बन जाता है। अगर आप टमेटो केचप पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड ले लिया है, इस पर मैं पहले ये सॉस लगा लूँगी जो हमने बनाया है। ये हमारा पिज़्ज़ा का बेस रहेगा दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस पे हम हमारा चिकन का जो हमने फिलिंग बनाई है, जी हाँ, वो हम रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, नॉर्मल ही रखिएगा, थोड़ा ही रखिएगा। देखिए बिल्कुल इसी तरह से, ये कितना कलरफुल भी लग रहा है, रेड ग्रीन येलो। अब मैं इस पे मोज़रेला चीज़ रख दूंगी, ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ है ये।
साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी ओरिगैनो, थोड़ा सी चिली फ्लेक्स। और दोस्तों मेरे पास कुछ ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स हैं और एलपिनोज हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, तो वो हम इस पे रख देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप रख सकते हैं। वैसे ये बाज़ार में इजीली मिल जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और ऑलिव्स तो हेल्दी है ही खाने के लिए। मैंने एक पैन ले लिया है दोस्तों, उसमें मैंने हल्का से घी लगा लिया है, काव घी, ताकि हमारे ब्रेड जो है वो नीचे से भी बहुत ही क्रिस्पी हो जाए। अब इसमें मैं दोनों भी ब्रेड्स को रख दूंगी। आप चाहे तो ओवन में भी कर सकते हैं इसे। दोनों ब्रेड को हम इसमें रख के और इसे ढक देंगे, और जो फ्लेम है हमारी वो बिल्कुल स्लो रहेगी। ये 5 से 8 मिनट इसे लगते हैं, ये नीचे से क्रिस्पी हो जाता है। चलिए दही बड़े के लिए जो मैंने दाल भिगोई थी 6 घंटे के लिए, उड़द दाल को मैंने 200 ग्राम लिया है, उसे भिगा दिया था। अब उसे मैं पीस रही हूँ, थोड़ा सी सॉल्ट और पानी डाल के। ये देखिए दोस्तों दाल को मैंने पीस लिया है। अब इसमें मैं इसमें मैं गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का जो मेरे पास पेस्ट है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और दोस्तों इसे हमें बहुत ही अच्छे से फेट के फ्लफी बनाना है। हम इसमें सोडा खार नहीं डालेंगे, बिना सोडा के हम इसे एकदम अच्छे से अगर फेट लेते हैं तो ये एकदम फ्लफी, एकदम सॉफ्ट दही बड़े बनते हैं आपके। देखिए इस तरह से आपको फेटना है इसे, 2 से 3 मिनट बहुत अच्छी तरह से इसे फेट लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। चलिए हम दही बना लेते हैं। हमारा 200 ग्राम मैंने दही ली है, इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट और 1 टेबल स्पून शुगर डालूंगी, और इसे मिक्सर में जस्ट 1 से 2 सेकेंड्स के लिए हमें विस्क कर लेना है। दोस्तों एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें हम छोटे छोटे बॉल्स डाल देंगे वड़े के। जैसे मैंने आपको कहा था, जितना आप फेटेंगे ये उतना ही फ्लफी और फूल जाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे बॉल्स डाल रही हूँ। आप देखिएगा ये कितने अच्छे फूल जाएंगे। फ्लेम हमारी मीडियम पे है दोस्तों, इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाइए, वरना ये बहुत जल्दी अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से लाल या फिर जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ये बिल्कुल अंदर से भी बहुत बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। इसे बीच बीच में हिलाते रहिएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं हमारे वड़े। इसे लाल होने तक हमें पकाना है, 8 से 10 मिनट लगेंगे इसे मीडियम फ्लेम पे। फिर इसे हम निकाल के ठंडा कर लेंगे, और इसके लिए मैंने एक पानी बनाया है जिसमें हमें इसे डिप करना है। देखिए दोस्तों ये कितने कितने यमी लग रहे हैं, और खाने में भी ये उतने ही यमी बनते हैं दोस्तों। आप ये रेसिपीज़ को प्लीज़ ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, और आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते, ज़ीरा और राई 1 टीस्पून डाल के इसका मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। जो दही हमने विस्क की थी ये उसमें हम तड़का डालेंगे। और दोस्तों दही वड़े में दही अगर तड़के वाला हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारी तड़के वाली दही बिल्कुल रेडी है। ये वो पानी है जो मैंने बनाया था, इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट और 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हमारे जो वड़े ठंडे हो गए हैं उसे हम डिप कर लेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसमें डिप करके रखेंगे, और फिर इसे हाथों से अच्छे से इसका पानी निकाल के और हम इसे दही के साथ कोट कर लेंगे। देखिए मैंने पानी निकाल लिया है, अब इस पर हम दही डाल देंगे।
दोस्तों ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। दही डालने के बाद हम इसमें स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सी हरा धनिया हम इस पे डाल लेंगे। दोस्तों दूसरी डिश जो मैं बना रही हूँ उसमें मैंने मटर लिया है, वाइट मटर, जिसे मैंने 8 घंटे भिगो के रखा था और फिर इसमें सॉल्ट और टर्मरिक डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई है पुदीने वाली, और इमली को भिगो के मैंने उसका रस निकाल लिया था वो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। साथ ही हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर और ज़ीरा और धनिया को मैंने क्रश कर लिया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। एक अनियन जो मैंने कट किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सी हरा धनिया डाल देंगे हम। दोस्तों सेव पूरी वाली जो पूरी है उसे मैं क्रश करके डाल रही हूँ। थोड़ी सी सेव डाल देंगे, ऊपर से चना दाल डाल देंगे। देखिए दोस्तों ये हमारी रगड़ा चाट भी बिल्कुल रेडी है। चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये बहुत बहुत ही यम्मी लगता है दोस्तों, और रमज़ान का टाइम है तो ये डिश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये झटपट से बनने वाली डिशेज़ है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।